अरे अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य, राजस्थान की जनता देख रही है। बोलिए। राजस्थान की जनता देख रही है कि सदन में क्या हो रहा है, पक्ष क्या बात रख रहा है, विपक्ष क्या बात रख रहा है। ये जो स्थिति बन रही है, ये जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए पूरे अभिभाषण पे एक ही बात बोले हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया। इसीलिए राजस्थान की जनता ने आपको अवसर दिया है, आप ये बात करो कि हम क्या करेंगे राजस्थान के लिए, हम क्या करेंगे दलित के लिए, आदिवासी के लिए। राजस्थान के उस कोने, रेगिस्तान के कोने में, दक्षिणी राजस्थान के कोने में, जंगलों में जो बैठा हुआ आदमी आज भी बिजली से, पानी से वंचित है, उसके लिए क्या करेंगे, इस पे बात करनी चाहिए आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अभी बात बताई थी कि ये जो अभिभाषण की जो कॉपी है, और उस कॉपी में मैंने भी पढ़ा, राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी रहता है, लेकिन इस कॉपी में आदिवासियों के लिए एक लाइन नहीं लिखी हुई है। और इससे साबित होता है, इससे साबित होता है कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार आदिवासी विरोधी है, ये से क्लियर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का युवा, दर दर भटक रहा है। इस अभिभाषण में देखा मैंने युवाओं के लिए क्या है, जो हो रहा है देश के अंदर वो ठीक नहीं हो रहा है। देश के अंदर युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीब है उसको दो टाइम की रोटी चाहिए, उसको मकान चाहिए, लेकिन आज धर्म के नाम से राजनीति खो रही है। वो देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक दुखद बात है। और हम सब मिल, हम सब ये जो सदन में है और लोकसभा में जो लोग है, ये सब जिम्मेदार रहेंगे अगर देश आने वाले समय में गर्त में जाता है। आज युवाओं की बात करें, युवाओं को मंदिर का घंटा समझ रखा है। ये सरकार आती है ये बजाती है, युवा आंदोलन करता है, ये सरकार आती है अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। आज रीट की भर्ती लेवल 1 के नियुक्ति बाकी है, नर्सिंग भर्तियों की नियुक्ति बाकी है, सरकार की जिम्मेदारी है उनको नियुक्ति दे। आज बुजुर्गों को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, हॉस्पिटलों में तरस रहे लोग। एक केस आया मेरे पास 22 जनवरी 2024 को, हॉस्पिटल में जाता है व्यक्ति और सोनोग्राफी के लिए लिखता है, और डॉक्टर लिख के देता है कि आपको 23 फरवरी 2024 को आपको सोनोग्राफी का नंबर आएगा। एक महीने बाद नंबर आने की बात हो रही है सोनोग्राफी, तब तक आदमी मर भी जाएगा, उसका क्रियावर भी हो जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है हमारे देश की, उस पर बात नहीं हो रही है। आज इस जो स्थिति बन रही है, 3 साल हो गए बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 4-4 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। आज सीनियर खोल दी गई है, एक व्याख्याता नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। आज मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से इस सदन में मैंने देखा, मोदी जी पे भाषण, राम मंदिर पे भाषण, उधर राहुल जी पे भाषण, ये सदन मोदी जी, राहुल जी और राम मंदिर के लिए नहीं है, ये सदन राजस्थान की जनता के लिए है। इस सदन से राजस्थान का भविष्य तय होता है, आज जो स्थिति बना रखी है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अच्छी बात है, लेकिन इसका आयोजक कौन थे? क्या इसके आयोजक मोदी जी थे या वहां के शंकराचार्य थे? देश के अंदर जो स्थिति बने, जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको बिचारों को हटा दिया गया। आज हमारे इलाके में एक माहौल बना दिया गया है। आज राजस्थान का इतिहास उठा के देख लो, अगर आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बलिदान दिया है तो आदिवासी समाज ने दिया है। 1913 के अंदर मानगढ़ के अंदर 1500 आदिवासी मरे गए, आज माही डैम बना, कडना डैम बना, आदिवासी विस्थापित हुआ। उन आदि जो टापू हैं, उन टापुओं के सारे रामायण के पात्रों से नामकरण किया जाएगा, ये काम कर रही है सरकार। वहां शहीद हुए उनके नाम नहीं ले रही है। मैं किसी की धर्म पे ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन जो धर्म के नाम से जो राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। आज बिजली की बात कर रहे हैं, हम बिजली उपलब्ध कराएंगे कहां से? आप हसदेव अभ्यारण को बर्बाद करके एक तरफ कह रहे हैं हम पर्यावरण को बचाएंगे, एक तरफ पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात है, मैं राजस्थान विधानसभा से हूं, लेकिन जो हसदेव छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्थान में जो बिजली ला रहे हैं, उन लोगों को हटा के वहां पर लगभग हजारों हेक्टर जमीन को बर्बाद कर दिया, जंगल को बर्बाद करके, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को बर्बाद करके अगर राजस्थान की जनता को अगर एसी में सुलाने का काम किया जा रहा है वो गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। आपका स्रोत तैयार करो, यहाँ पर सोलर से करो, यहाँ पर किसी से भी करो, यहाँ उत्पादन करो और जनता को दो, तो हमें लगेगा। आज अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा,
हो गया, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। दुखद बात है, ये 26 जनवरी पे राजस्थान के अंदर कई जगह देखने मिला कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को वहां से हटवा लाया गया स्कूल से। मेरे विधानसभा के अंदर चिकली सिमाड़ा ब्लॉक के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, अधिकारी इतने डरे हुए उस तस्वीर को अंदर रखवा दिया गया। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने इस देश को आजाद करा गया, उसको सम्मान नहीं दे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर बात है देश के लिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, युवाओं को रोजगार, भविष्य सुधारना है। श्री कमललाल, ये धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है, कमललाल को बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।